भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नवविवाहिता वधु सम्मान समारोह का आयोजन हाउसिंग बोर्ड घासीदास नगर भिलाई के वार्ड 23, 24, 25 में किया गया। मतदान केंद्रों में 100% निष्पक्ष मतदान एवं दिव्यांग जनों सहित सभी मतदाताओं को मतदान करने के प्रति प्रेरित करने का संकल्प लेने के साथ नई बहुओं को तिलक लगाकर एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 100% और निष्पक्ष मतदान कराने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल की गई है, जिसके तहत सभी बीएलओ को अपने अपने भाग संख्या एवं वार्डों के हिसाब से क्षेत्र के घरों में हाल फिलहाल में आई नवविवाहिताओं को चिन्हित कर पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत सम्मान करना है एवं तिलक लगाकर उनके नाम को मतदाता सूची में जोड़ने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं। इसी तारतम्य में वैशाली नगर विधानसभा में नवविवाहिता वधु सम्मान समारोह का आयोजन हाउसिंग बोर्ड भिलाई में किया गया। इस अवसर पर मतदान केंद्रों में 100% निष्पक्ष मतदान एवं दिव्यांग जनों सहित सभी मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने का संकल्प लेने के साथ नई बहुओं को तिलक लगाकर गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया गया और उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने की आवश्यक कार्रवाई की गई। यह योजना भाग संख्या 152 से भाग संख्या 163 के सभी बीएलओ ने संयुक्त रूप से शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हाउसिंग बोर्ड भिलाई में किया। निर्वाचन आयोग के आदेश एवं बीएलओ द्वारा किए जा रहे आयोजन के बारे में जहां बीएलओ ने जानकारी दी तो वहीं इस अनूठी पहल पर नवविवाहिताओं ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए इस कार्य को बेहद सराहा और निर्वाचन आयोग और सरकार का आभार जताया। सर, मैं अनिल कुमार थारवानी, भाग संख्या 159 का बीएलओ हूँ वैशाली नगर विधानसभा से। यह कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इसमें घर घर जाके हम लोगों ने सर्वे किया और नवविवाहिता जो वधुएं हैं उनकी हमने सूची बनाई। फिर उन वधुओं को बाकी जगह बीएलओ जो हैं बूथ में मतलब घर घर जाके सम्मान कर रहे थे, लेकिन हमने चाहा कि वृहद स्तर पर करें जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ सके, और इसलिए हम लोगों ने वृहद स्तर पर कम से कम 12 बूथ के बीएलओ ने मिल के इस आयोजन को किया है। तो इसमें हमने सभी बीएलओ ने मतलब अधिक से अधिक संख्या में बहुओं को आमंत्रित करने का प्रयास किया, उनका स्वागत सम्मान किया और जागरूकता बढ़ाने का हमने प्रयास किया, और हमने सभी को शपथ भी दिलाई कि हम भारत के लोकतंत्र में पूर्ण आस्था विश्वास रखते हुए 100% निष्पक्ष मतदान करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करेंगे, और दिव्यांगजनों को भी हम मतदान देने के लिए हर प्रकार से सहयोग करेंगे, ऐसा हमने शपथ दिलाई है सर सभी मतदाताओं को। भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा सभी बीएलओ के आदेश दिया गया था कि जितने भी नवविवाहित वधु हैं विगत 3 वर्षों के दौरान जो नवविवाहित वधु हैं उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया जाए ताकि वो उनका नाम जो है मतदाता सूची में दर्ज हो सके और वो एक जागरूक नागरिक होने के नाते, जागरूक मतदाता होने के नाते निष्पक्ष रूप से अपना मतदान दे सके। इसी कार्यक्रम के तहत जो है हमारे हाउसिंग बोर्ड शाला प्रांगण में जो है भाग संख्या 152 से लेकर 163 तक के सभी बीएलओ के द्वारा नवविवाहिता वधु सम्मान का कार्यक्रम किया गया एवं जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं था उनका नाम जोड़ा गया और उन्हीं सभी मतदाताओं का तिलक लगाकर एवं पुष्प भेंट कर जो है उनका स्वागत किया गया और सम्मान किया गया। सरकार का सर काफ़ी अच्छा मतलब कि कार्यक्रम है जिसमें नए शादीशुदाओं को कम से कम ये मौका मिल रहा है या प्रशंसनीय है, और घर पहुँच हम लोग को सेवा मिल रहा है बीएलओ द्वारा और पूरा नाम जोड़ा जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, सम्मान भी है, ये काफ़ी अच्छा खुशी की बात है। अच्छा है, फैसिलिटी अच्छी है। जब मैं शादी करके आई यहाँ पे तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, यहाँ के जो टीचर्स हैं हमारे घर पे आए थे और फॉर्म वॉर्म फिल किया, हमको बताया कि वोटर आई डी कार्ड आपको बनाना है तो हम सब करके दे देंगे, करके सारी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान आपका सम्मान भी हुआ, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पे हमको बुला के सम्मान किए, अच्छा पहल है। हम लोग के यहाँ आए थे बीएलओ साहब जो हैं घर में आए थे, फॉर्म भरा के गए हैं, हम लोगों का वोटर आईडी आएगा, यहाँ आना स्कूल नहीं जाना पड़ा हम लोगों को, अच्छा ठीक है। हाँ प्रक्रिया होती थी है। इसीलिए अब अच्छा था ये नवविवाहिता जो है वहाँ से यहाँ अच्छा लगा हम लोगों को। ठीक, भारत निर्वाचन आयोग की पहल तो बढ़िया है, देखना होगा कि इस पहल से आने वाले समय में होने वाले मतदान के प्रतिशत को कितना बढ़ाया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।